अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये मेरा BSF गेज नंबर 1 है और इसके बाद ये आप देखें लातादात मक्खी अंदर है, नीचे ग्राउंड पे देखें आप, और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस मीटिंग कर रही है। ये मैंने इनको टेम्परेचर के लिए मीटिंग लगाई हुई है, ऊपर लाइट है, ये देख रहे हैं हम मक्खी मेरी, और वो ग्राउंड पे देखें ये डे एंड नाइट मीटिंग कर रही हैं। हालांकि इनका टाइम और है लेकिन ये कर रही हैं। इनको टेम्परेचर पूरा मिला, ये गेज नंबर 2। ये 2 मच्छरदानियों का मैंने एक गेज बनाया, ये देख रहे हैं एक ये एक वो, 2 मिला के एक किया। हालांकि ये 5 होना चाहिए, ये 3, उसके बाद फिर ये उस तरफ 4। उसमें अभी पीपा हमारा पड़ा हुआ है, अभी मक्खी नहीं निकली है फुल। वो देख रहे हैं हम बर्तन पड़े हुए अंदर, वो पड़े हुए, मैं उस तरफ से आता हूँ। ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में, इसको पूरा कवर किया मैंने, दीवारें भी और ये भी, ये देख रहे हैं अंदर बर्तन, इसके अंदर पीपा तैयार रखा है। ये चंद दिनों में ये गेज नंबर 4 मक्खी निकलेगी इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप अंदर, ये देख रहे हैं ये गेज नंबर 5 में भी अभी नहीं निकली है, और ये गेज नंबर 6 में भी अभी नहीं निकली है। इसमें हमने चेंजिंग थोड़ी सी कर दी है कि जो मक्खी निकल रही है उसको एक साइड पे कर दिया है, ये 1 से 4 तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सेटअप है सारा, हीटर भी लगाया हुआ है ताकि मक्खी के टेम्परेचर में कोई फ़र्क ना पड़े। ये अंडा निकालने के लिए सिस्टम बनाया है, ये पानी के लिए, ये हमारा सिस्टम है। इसके अंदर जब अंडे हैच करते हैं तो इन टपों में हम रखते हैं, ये बड़े कास्टली 1-1 हज़ार का एक एक टप आया है माशाल्लाह। ये अंदर लगाने हैं, फिर सेटअप कंटिन्यूस कर रहे हैं, हम लोग बहुत थक गए, दिन असल में बहुत छोटा है, काम बहुत कम होता है। अभी भी मगरिब हो चुकी है और मैं निकलने की तैयारी में हूँ। ये कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको देख रहे हैं लाइट।